वेलकम दोस्तों, लर्न बैटर चैनल से तुहाडा स्वागत है। लास्ट वीडियो दे विच असीं गल कीती सी कि कॉन्स्टिट्यूशन दे तीन जिहड़े ने मेजर ऑर्गन्स कि होंगे ने, उहदे विच असीं गल कीती सी जो सेंटर गवर्नमेंट है किवें चलती है, उहदे विच प्रेजिडेंट आ, लोकसभा है, राज्यसभा आ ते जुडिशरी है। उहनां तिन्नां पिलर बारे गल कीती सी जो डेमोक्रेसी दे पिलर भी मने जांदे ने। सो अज जिहड़ी असीं गल करांगे कि स्टेट्स जिहड़ियां ने उहनां दे विच गवर्नेंस किद्दां चलदी है। सो पहले नंबर पर है कि स्टेट्स नूं किद्दां दा बनाया गया है। सो स्टेट्स जिहड़ियां ने उन्हां नूं कॉन्स्टिट्यूशन दे विच रखिया गया है कि अंडर यूनियन आउंदियां ने। सो यूनियन दे थल्ले आउंदियां ने, एक स्टेट्स जिहड़ियां ने उह मिलके यूनियन बणाउंदियां ने। सो इहदे विच किसे भी स्टेट नूं इह अधिकार नहीं है कि यूनियन नूं तोड़ सके, यूनियन नूं तोड़ के बाहर चली जावे। सो इत्थे जिहड़ियां ने स्टेट्स मिलके यूनियन बणाउंदियां ने। सो स्टेट्स दीआं जिहड़ियां पावर्स ने उह लिमिटेड हो जांदियां ने क्योंकि यूनियन उपर आ। सो कई स्टेट्स ने जिन्हां नूं स्पैशल जिहड़े ने वो स्टेटस मिले हुए ने, स्पैशल पावर्स मिली ने। सो जिवें जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर नूं पहला की सी आर्टिकल 370 दे विच कुछ स्पैशल जिहड़ियां ने वो पावर सी, उहदे विच की सी कोई भी जिहड़ा सेंटर गवर्नमेंट लॉ लैके आउंदी है सो वो जिहड़ा आ स्टेट दे विच तद ही लगना सी जदों जिहड़ी आ स्टेट दी लैजिस्लेचर आ उहनूं पास करदी सी। सो हुण जिहड़ी आ सेंटर गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 नूं हटा के जम्मू कश्मीर स्टेट दीआं जिहड़ियां स्पैशल पावर्स ने उन्हां नूं खोलिया उहदे कोल। सो जम्मू कश्मीर दे कोल कोई स्पैशल पावर नहीं है हुण। सो इहदे अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ने उन्हां दे कोल भी जिहड़ियां ने उह स्पैशल प्रोविजनस हुंदियां ने स्टेट्स कोल, जिवें उन्हां ने अपना जिहड़ा ट्राइबल एरिया है उहनूं मेनटेन करना है तां उहदियां जिहड़ियां पावर्स ने उह स्पैशल रखियां गईयां ने इन्हां स्टेट्स वास्ते। इहदे बाद है कि हर एक स्टेट दे विच जिद्दां पार्लीमेंटरी सिस्टम है उदां ही स्टेट्स दे विच वी पैरेलल जिहड़ा पार्लीमेंटरी सिस्टम है। सेंटर दे विच की हुंदा है, लोकसभा ते राज्यसभा है जिहनूं असीं पार्लीमेंट कहिंदे आ। सो स्टेट्स दे विच की हुंदा है, विधानसभा हुंदी है ते विधान परिषद हुंदा है, जिवें लोकसभा ते राज्यसभा आ इसे तरह ही स्टेट्स दे विच विधानसभा ते विधान परिषद हुंदी है। बहुत सारिया स्टेट्स ने जिन्हां दी विधान परिषद हैगी है, बट बहुत सारिया स्टेट्स ने जिहड़ियां यूनीकैमरल ने जिन्हां दे विच कल्ली विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। सो विधानसभा दे विच जिहड़े मैंबर बणदे ने, जिहड़े चुण के आउंदे ने लोग, उहनां नूं कहिंदे आ MLA, मैंबर ऑफ लैजिस्लेटिव असैम्बली, ते जिहड़े मैंबर बणदे ने विधान परिषद दे उहनां नूं असीं कहिंदे आ MLC, मैंबर ऑफ लैजिस्लेटिव काउंसल। लैजिस्लेटिव काउंसल जिहड़ी आ उह अपर हाउस है, लैजिस्लेटिव असैम्बली जिहड़ी आ उह लोअर हाउस है, उसे तरह ही लोकसभा ते राज्यसभा आ। सो पहले ते आउंदा है स्टेट दी एग्जैक्टिव, जिवें असीं सेंटर दीआं पावर दे विच पढ़िया सी कि एग्जैक्टिव है लैजिस्लेटिव ते जुडिशरी, इसे तरह ही है जिहड़े स्टेट दे विच वी पैरेलली ने एग्जैक्टिव, लैजिस्लेटिव ते जुडिशरी है। सो पहले ते आ स्टेट दे एग्जैक्टिव। एग्जैक्टिव दे विच की है, जिहड़े गवर्नर चलाउंदे ने, इहदे विच आउंदे ने गवर्नर ते काउंसल ऑफ मिनिस्टर। गवर्नर की है, प्रेजिडेंट दे पैरेलल है, उत्थे सेंटर दे विच प्रेजिडेंट है। सो स्टेट दे विच की है, गवर्नर है, जिवें प्रेजिडेंट दे साइन हुंदे ने किसी भी बिल नूं लॉ बनाउण दे विच, इसे तरह ही स्टेटां दे विच गवर्नर दे साइन हुंदे ने किसी भी जिहड़े आ उह बिल नूं लॉ बनाउण दे विच। सो काउंसल ऑफ मिनिस्टर इत्थे भी है, सो काउंसल ऑफ मिनिस्टर जिहड़े आ उह सेंटर दे विच भी आ। सो कोई भी सरकार जिहड़ी आ अपने कोई मिनिस्टर बनाउंदी है कोई डिपार्टमेंट्स नूं, कोई मिनिस्ट्रियां नूं हैंडल करन दे लई। सो जिवें प्रेजिडेंट हैड हुंदे ने उसे तरह ही जिहड़े गवर्नर ने उह भी स्टेट दे एग्जैक्टिव हैड ने इत्थे। सो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेजिडेंट वालों, प्रेजिडेंट जिहड़े ने उह अपॉइंट करते हैं। जिहड़े काउंसल ऑफ मिनिस्टर ने इन्हां दी जिहड़ी गिणती है लिमिटेड की गई है 15%, जिन्ने साडे MLAs हुंदे ने उहनां दे विचों मैक्सिमम जिहड़े ने 15% मिनिस्टर बन सकदे ने। सो 117 जेकर पंजाब दे विच MLAs ने तां उहनां दा 15% ही है जिहड़ा उह मिनिस्टर बन सकदे ने, बाकी जिहड़े आ उह मिनिस्टर नहीं बन सकदे। इहदी गिणती जिहड़ी है काउंसल ऑफ मिनिस्टर दी, इहनूं लिमिटेड कीता गया कि 15% ही होणगे। सो सेंटर दे विच इहनां नूं हैड करदे ने प्राइम मिनिस्टर, सो स्टेट दे विच इहनां नूं हैड करदे ने चीफ मिनिस्टर। सो चीफ मिनिस्टर जिहड़े आ इत्थे गवर्नमेंट दे हैड हुंदे ने, जिहड़े प्रपोज करदे ने कि काउंसल ऑफ मिनिस्टर दे विच कौन कौन आएगा, उहनूं फिर सौं जिहड़ी आ उह गवर्नर चुकाउंदे ने। उहदे बाद है सैकंड नंबर ते स्टेट लैजिस्लेटिव। सो जिवें सेंटर दी लैजिस्लेटिव दे विच आए सी प्रेजिडेंट है, लोकसभा, राज्यसभा आ, उसे तरह ही स्टेट लैजिस्लेटिव है, उहदे विच वी तीन ही ने, एक गवर्नर है, सैकंड नंबर ते लैजिस्लेटिव असैम्बली है, थर्ड नंबर ते लैजिस्लेटिव काउंसल है। बहुत सारिया स्टेट ने जिन्हां दे विच लैजिस्लेटिव काउंसल हैगी आ, बट बहुत सारिया स्टेट ने जिहड़ियां यूनीकैमरल ने जिन्हां दे विच केवल जिहड़ी आ उह लैजिस्लेटिव असैम्बली है, लैजिस्लेटिव काउंसल नहीं बनी गई। सो लोकसभा दे वांगू जिहड़ी आ लैजिस्लेटिव असैम्बली है, राज्यसभा दे वांगू लैजिस्लेटिव काउंसल आ। सो लैजिस्लेटिव असैम्बली दे विच मैक्सिमम 500 मैंबर हो सकदे ने, पंजाब दे विच 117 ने, 117 MLAs बणदे ने। सो 117 MLAs दे विचों ही चुने जांदे ने स्पीकर ते जिहड़े आ डिप्टी स्पीकर आ। इहनां दा जिहड़ा काल है, इहनां दी टर्म है जिहड़ी, उह 5 साल दी हुंदी है, 5 साल तों बाद जिहड़ी आ फ्रैश इलैक्शनस हुंदियां ने। सो राज्यसभा दे वांगू इत्थे लैजिस्लेटिव काउंसल आ, इहदे विच चेयरमैन ते डिप्टी चेयरमैन हुंदे ने, इहदे विच वी 1/3 जिहड़े मैंबर ने उह चुने जांदे ने हर 2 साल बाद, ते इहदी टर्म जिहड़ी आ उह 6 साल दी हुंदी है।
ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਕੋਰਟ। ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟਸ ਨੇ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਕੋਰਟ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਸਟੇਟਸ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।